अगर आप मिथुन राशि के हैं यानी जेमिनी, तो ये वीडियो पूरा देख लेना। कुछ बातें आपके बारे में बता रहा हूं, आपको आपका भविष्य बता रहा हूं, आप क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो। यकीन मानना कि जो बात मैं आपको बताऊंगा ये शायद आप भी अपने बारे में ना जानते हो, कुछ गुप्त सीक्रेट्स हैं, राज हैं। क्या बताने वाला हूं? सीक्रेट्स, राज, और ये राज आज दुनिया के सामने आएंगे। दुनिया जानेगी राज आपके और आप भी जानेंगे अपने राज। अब कुछ भी आप छिपा नहीं पाएंगे, अब सब कुछ दुनिया के सामने होगा। चलिए शुभारंभ करते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऐसे राज हम आपके जीवन में खोलते रहेंगे। आज आपका खुला है, कल किसी और का खोलेंगे। इंसान खुद को कम, दूसरों को ज्यादा जानता है। पैदा होते ही आपकी राशि तय हो जाती है, ये बन गई आपकी जन्म कुंडली। अब इस जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वही आपकी राशि हो गई। अब ये राशि पैदा होते ही पता चलती है, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यही राशि रहेगी। तो आप अपनी राशि तो भैया नहीं बदल सकते। अब राशि का अपना स्वभाव होता है, और ये जानकारी मैं सिर्फ राशि के आधार पर दे रहा हूं, आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन राशि एक इंसान के स्वभाव को बता देती है। आपकी राशि के स्वामी है बुध देव, और ये तीसरे नंबर की राशि है। पहला नंबर पे मेष, दूसरे नंबर पे वृषभ, और तीसरे नंबर पे मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के जो स्वामी है वह है बुध ग्रह, और गणेश जी इसके देवता है। बुद्धि, बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्ध यानी कि वाणी, बुद्ध यानी कि जुबान, और गणेश जी यानी कि विघ्नहर्ता। रंग हरा, और आपकी राशि का जो चिन्ह है, ध्यान से देखिए, ये क्या है? स्त्री पुरुष का जोड़ा, एक महिला और एक पुरुष। वायु तत्व राशि है, आप हवा हैं, और हवा को कोई पकड़ नहीं पाया, इसलिए आपके दिमाग की चंचलता को कोई पकड़ नहीं सकता। सबसे पहले आपके स्वभाव से शुरू करते हैं, आपका नेचर। वायु तत्व राशि है, एक जगह पर टिक कर बैठना तो आपके बस की बात है ही नहीं। हवा रुकती है कभी? हवा को बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते। हवा का काम है चलते रहना, ऐसे ही आपका काम भी है चलते रहना। आप टिक कर नहीं बैठते, हमेशा चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, हमेशा दो नावों पर सवार होते हैं, एक नहीं दो नावों पर। अब दो नावों पर पैर रखते हैं इसलिए गिरते भी खूब हैं, धोखे भी खूब मिलते हैं, चोट भी खूब लगती है। आप स्टेबल नहीं है, आप एक जगह पे आपको बोला जाए कि 5 मिनट चुप बैठ जाओ, 5 मिनट सीधे बैठ जाओ, तो आपसे इससे बड़ी आपके लिए कोई सजा नहीं हो सकती। आपसे बोला जाए कि आप घर के रोज काम करो, सुबह उठो, घर की साफ सफाई करो, घर में सब्जी लाओ, ये करो वो करो, भैया ऐसे काम से अच्छा तो आप कहेंगे हमें भगवान मौत दे दे, लेकिन हम रोज एक जैसा काम नहीं कर सकते, हमें तो रोज कुछ नयापन चाहिए। ये आपका स्वभाव है, तो आप घर भर के काम ज्यादा करते नहीं है, आपको वो काम चाहिए जिसमें नयापन हो, बाहर के काम। आप हमेशा दो नावों पर सवार रहते हैं, स्टेबल नहीं है, मन भटकता है। एक मिनट में मन करता है ये कर लूं, दूसरे मिनट में मन करता है वो भी कर लूं, इसलिए एक जगह पर ठहराव नहीं है, और जो ठहरता नहीं है वो पाता नहीं है, तो इसलिए ठहरना सीखना होगा। कम गुस्से वाले होते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी की तरीके से फटता है, और जितनी तेजी से गुस्सा आता है उतनी तेजी से गुस्सा शांत भी हो जाता है। एक पल में आप किसी को इतना बुरा भला कह देंगे, और दूसरे ही पल में आप उसको कहेंगे यार सॉरी, वो बंदा समझ ही नहीं पाता यार, एक मिनट पहले तो ये आदमी मुझे गाली गलौज कर रहा था, एक मिनट पहले से इसने मेरी लेनी देनी कर दी थी, अब 2 मिनट बाद ये कह रहा है सॉरी यार, चल हो गया जो हो गया, चल बैठ के चाय पीते हैं। इसलिए आपको समझ पाना अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है, पता नहीं कब क्या करते हैं। जैसे बादल होता है ना, बादल सूरज के सामने आ जाए तो ठंडा, एकदम से हट जाए तो गर्म, और दिन में न जाने कितनी बार सूरज के सामने बादल आते हैं, ठंडा गर्म चलता रहता है। ऐसे ही आपका दिमाग है, ऐसे ही आपके काम है, कभी ये तो कभी वो। एक पल में गुस्से वाले, दूसरे ही पल में चंचल, बातूनी खूब होते हैं, अपनी बात सुनाए बगैर दूसरे को उठने नहीं देंगे, दूसरे की सुनेंगे कम, अपनी सुनाएंगे ज्यादा।
एक साथ दिमाग में 10 चीजें चलती हैं, यही आपकी असफलता का कारण है। वाणी बढ़िया होती है, उम्र से कम दिखते हैं, उम्र चाहे कितनी भी हो लेकिन जवान दिखाई पड़ेंगे। दूसरों की बात आप पढ़ लेते, दूसरों का मन पढ़ना, दूसरों का दिमाग पढ़ना आपको आता है। दूसरों की सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। तेजी से चलना, रफ्तार आपको पसंद है। रुकने वाले काम, आलसी लोग, ये सब आपको पसंद नहीं है। आप आप 2 मिनट में कहीं जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, बाकी लोग को चाहे 15 मिनट लगे, लेकिन अगर आपको बोला जाए रेडी, तो आप 2 मिनट में कपड़े वपड़े पहन के, बाल वाल बना के तैयार हैं, चलो। लेकिन दूसरा आदमी जो है वो लेट लतीफ हो सकता है, तो आपको लेट लतीफी और देरी से सख्त नफरत है, यह आपका स्वभाव है। आपकी बात करने का अंदाज इतना निराला होता है कि दूसरों को भी अपना बना लेते हैं। किसी अजनबी आदमी से भी आप मोहब्बत कर सकते हैं, उसको भी अपनी बातों में फंसा सकते हैं, उससे भी दोस्ती कर सकते हैं। वो सोचता रहेगा यार इसको तो मैं कभी जानता नहीं, लेकिन 1 घंटे से हम बातें कर रहे हैं। रात गई बात गई, ज्यादा सोचते नहीं, जो कल मिला था उसके बारे में आज नहीं सोचेंगे, दोबारा फिर मिल जाएगा तो देख लेंगे, यानी टेंशन नहीं लेते। जितना बोलना है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। आपको गुप्त ज्ञान मिलता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को नहीं मिलती हैं, वो आपको ईश्वर की कृपा से मिलती हैं। आपकी जो चंचलता से भरे रहते हैं, हर क्षण का, हर पल का आप आनंद लेते हैं। उम्र चाहे कुछ भी हो लेकिन जवानी हमेशा छाई रहती है। एक फिल्म आई थी उम्र बचपन की लेकिन दिल बचपन का, तो आपके ऊपर ये पूरी फिल्म फिट होती है, तो आप एकदम बच्चे हैं, बच्चे। अब अगर आपके करियर की बात की जाए तो आप अधिकतर ऐसे कामों में धन कमाते हैं जिसमें नयापन, रोज एक ही जैसे काम करने पड़े, ये भैया आपको पसंद नहीं है। नयापन चाहिए आपको कामों में, वरना आप टिक कर काम नहीं कर पाएंगे। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट से भी आप पैसा कमाते हैं लेकिन मर्यादा में रहकर जल्दबाजी और लालच में फंसते हैं, तो नुकसान भी होता है। वाकपुट हैं, यानी कि हर प्रश्न का उत्तर आपकी जुबान पर है, आपके दिमाग इतना तेज है कि आप हर प्रश्न का उत्तर अपनी जुबान पर रखते हैं। तो ऐसा कोई काम जहां पर आपको तुरंत जवाब देना है, कोई ग्रुप डिस्कशन है, ऐसे कामों में आप नंबर वन रहते हैं। भाषण देने का टैलेंट आपके अंदर है, दुनिया सुनेगी आपको। एक अच्छे सलाहकार होते हैं, राजनीतिज्ञ बहुत बढ़िया होते हैं, राजनीति में बिल्कुल मिथुन राशि वाले फिट बैठते हैं, क्योंकि नेता हाथ जोड़ जोड़ कर वोट लेता है फिर उसी जनता को भूल जाता है जो वोट देते हैं। तो आप भी वैसे ही हैं, जिसके साथ जब है तब तक हैं, उसके बाद अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, क्योंकि आप किसी की याद में आंसू नहीं बहाते, क्योंकि आप सब काम दिमाग से करते हैं और दिमाग जो करता है वो प्लानिंग से होती है। आपके जीवन में जो भी कुछ आप करते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है, सोच कर करते हैं, बेवकूफियां नहीं करते हैं। आप एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, एक अच्छे एजेंट हो सकते हैं, एक अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं, दो लोगों को मिलवा सकते हैं, एक अच्छे वकील हो सकते हैं, क्योंकि वकील भी ऐसी दलीलें देते हैं कि भाई साहब मतलब बोलने का काम है। अच्छा आपकी आर्ट हो सकती है, अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं, नौकरी में क्लर्क हो सकते हैं, व्यवसायिक एजेंट हो सकते हैं, यानी व्यवसाय के बारे में लोगों को बताना, एक अच्छे डाक कर्मचारी हो सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो दूत है, यानी कि डाक का मतलब अब ये मत समझिए कि सरकारी आप चिट्ठी इधर उधर करें, आप टेलीफोन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस में हो सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, एक अच्छे गाइड हो सकते हैं, गाइड जो आपको बड़ी बड़ी इमारतों और शहरों के बारे में बताते हैं, एक अच्छे और शानदार फोटोग्राफर हो सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफर के पास एक आदमी रोज नहीं आएगा, फोटोग्राफर के पास रोज नए लोग आएंगे, बस इसी में आपका मन लगता है। आप गाइड हैं तो आपके पास रोज एक आदमी नहीं आएगा, अलग अलग लोग आएंगे, उनको आप अलग अलग चीजें दिखाएंगे, कभी दिल्ली दिखाएंगे, कभी कलकत्ता, तो कभी मुंबई, कभी ताजमहल, तो कभी मथुरा वृंदावन। अब चिट्ठी भी आप एक आदमी की रोज नहीं आती, अलग अलग लोगों की आएगी। एक जो कम्युनिकेशन लाइन में एक आदमी से रोज बात नहीं करनी, 10 लोगों से 10 तरीके की नई बात करनी है। विदेश मंत्रालय में हो सकते हैं, विदेश मंत्रालय का मतलब है गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, मंच में वक्ता हो सकते हैं, जैसे कोई बोलते हैं अब आने वाले हैं आपके सामने ये जो पहले से पहले बोलते हैं। आप एक अच्छे कथावाचक हो सकते हैं, आप एक अच्छी कंपनी को प्रमोट करने वाले, यानी कि एक अच्छे
जो लोग मार्केटिंग करते हैं किसी को, डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। अच्छा, शिक्षक का काम भी पढ़ाना है, बोलना है। एक अच्छे सचिव हो सकते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब में झंडे गाड़ सकते हैं। एक अच्छे टीम लीडर, एक अच्छे फाइनेंस वाले हो सकते हैं, सीए, टैक्स, जीएसटी की जानकार हो सकते हैं। अब आप कहेंगे इतने सारे प्रोफेशन बता दिए, इसमें से हम पर कौन सा बैठेगा? ये आपकी जन्म कुंडली तय करेगी कि अपने ग्रहों की व्यवस्था क्या है। अब बात करते हैं रिश्तों की, रिलेशनशिप की। तो भैया रिश्तों में तो आप कम टिकते हैं, दिल तो पागल है। आप रिश्तों में वफादार कम ही दिखते हैं, एक उम्र के बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन फिर भी आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रेम प्रसंग में आप एक पहेली हैं, आपको समझना बड़ा ही कठिन है। न जाने कब किसी को आई लव यू कहें, न जाने कब किसी को कहें गेट आउट। आप हरजाई हैं, यानी आप किसी के नहीं। आप एक वक्त में एक से ज्यादा रिश्तों में होते हैं, एक तरफ है घर वाली, दूसरी तरफ है बाहर वाली। आज बहुत सारे मिथुन राशि के जो पुरुष हैं उनकी खाट खड़ी होगी ये वीडियो देखकर। भाई सत्य तो सत्य है, लेकिन हाँ 100 में से 99% तो ऐसे ही होते हैं, 1% कोई साफ सुथरा निकल जाए तो अच्छी बात है। दिल से नहीं दिमाग से प्यार करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। आप लोगों के दिलों से खेलना जानते हैं, लोगों को अपना बनाना जानते हैं। आप 25-26 साल की जब उम्र हो जाती है या थोड़े से जब आप मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये हरकतें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। मैंने एक अनुभव किया है कि सबसे ज़्यादा जो तलाक होते हैं वो मिथुन राशि वालों के होते हैं, अगर इन्हें सही जीवन साथी ना मिला तो, या सेपरेशन। ये अपनी जीवन साथी के साथ चलते चलते दूसरी तरफ भी नजर से डालेंगे, वाह क्या खूबसूरत महिला पास से निकल गई। ये बहुत ही चालाक होते हैं, इनको समझ पाना मुश्किल है। अब कुछ लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। इसका कारण सिर्फ ये होगा, कोई पूर्ण रूप से मिथुन राशि का है, किसी में उसके अंश आए। अब आपकी राशि कितनी बली है, जितनी बली होगी उतने गुण आपके अंदर आएंगे, बली नहीं है तो हो सकता कुछ कम गुण आए। लेकिन अगर आप मिथुन के हैं तो आपके अंदर ये गुण किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा जरूर पाए जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य साबित ना हो। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, और भी बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली की जांच हो और आपके बारे में सब कुछ सही सही बता दिया जाए, तो आपको इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। गणेश जी की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहता है। पक्षियों को हरे मूंग की दाल रात में भिगोइए, सुबह अपने घर के आसपास जो गार्डन है वहां पर जाकर पक्षियों को हरे मूंग की दाल खिलाइए, किसी गार्डन में, किसी मैदान में, ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहता है। हिजड़ों को हरे रंग का वस्त्र या चूड़ी का दान करना भी बहुत अच्छा रहता है। माँ दुर्गा की उपासना करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। 5-6 साल की उम्र की जो छोटी कन्याएं होती हैं उनका आशीर्वाद लेना और उन्हें कुछ गिफ्ट देना भी आपके जीवन में सुख लेकर आता है। उपाय करने से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर आता है, आप भी उपाय करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैंने कितना सच और कितना झूठ बोला। मुझे पता है मैंने 100% सच बोला, फिर भी आप जज करिएगा। नमस्कार।